जी ये हम आलू की चिप्स ना वो तैयार करने लगे हैं, और ये मेरे दोस्त लगे हुए हैं इसे बनाने के लिए। आलू बना रहे हैं साबर भाई, आशक, जकी, और ये एक साथ चौधरी साहब बैठे हुए हैं हमारे। ये देख लें आप, ये देख रहे हैं, ये लहसुन भी हैं, गार्लिक इसे बोलते हैं इंग्लिश में, लहसुन है। और इसका हमने जूस निकालना है, जूस में से इसे थोड़ा रगड़ेंगे ना तो जो पानी इसका निकलेगा जूस टाइप, वो इसे मिक्स करेंगे, वो भी अच्छा होता है इसके लिए। और इसके बाद हमारे पास और भी मटेरियल है, वो आपको बाद में दिखाएंगे। पहले आप ये देख लें कि आलू को ये इसके पीस कैसे करते हैं, इसे बनाते कहते हैं चिप्स के लिए। आलू हमारे जो ना वो तैयार हो गए हैं, बन गए हैं। उसमें हमने जो मटेरियल ऐड करना है, उसमें एक ये है इसे मैदा, इसमें मैदा डालेंगे, और ये धनिया पिसा हुआ, लाल मिर्च, और ये है हल्दी, और ये नमक, ठीक है। ये इसमें मिक्स करेंगे, मिक्स करने के बाद इसे आधे घंटे के लिए हम रख देंगे। आलू को मिक्स करेंगे, मिक्स करने के बाद इसे आधे घंटे के लिए रख देंगे। और आधे घंटे के बाद रखने का मकसद ये होता है कि ये सारी चीज़ें इसमें अच्छे तरीके से ना मिक्स हो जाएं, आलूओं के साथ ये सारी चीज़ें आपस में अटैच हो जाएं। और आलू ये हमारे बन गए हैं, और ये बाकी बच गए हैं इसे रहने देते हैं, पहले काफ़ी ज़्यादा हो गए। ये आलू हमारे तैयार हो गए हैं, हमें धोने के लिए ये पानी में डाले थे, अभी इसे बाहर निकाल कर थोड़ा खुश करते हैं। खुश करने के बाद इसमें हम ना मसाला डालेंगे, जो भी हमने बनाए हुए हैं, जो लिए हमने उनको डालेंगे, और बाद में इसे तैयार करते हैं। ब्रेक लगा, ये मैदा, और इसमें हमने ये सारी चीज़ें मिक्स कर दी हैं, और मिक्स करने के बाद जितना हमने निकालना है इसमें डाल देते हैं, और इसे करते हैं मिक्स अच्छे तरीके से। ये भी इसमें कम है और डाल लेते हैं। अभी भी कम है इसमें, मज़ीद इसके अंदर और मिक्स करते हैं। ये ठीक है, अभी ये मिक्स हो गई है, अभी इसे हम थोड़ी देर के लिए रख देंगे। जब ये इसके अंदर ये मसाला वगैरह अच्छे तरीके से मिक्स हो जाएगा तो फिर हम इसे आलू वगैरह में डाल के निकाल लेंगे। ये सारी चीज़ें इसमें मिक्स हमने कर दी हैं, और इसमें हमने अभी अंडा डालना है। आपने पहले पता नहीं इस तरह की खाई है नहीं खाई, अंडा डाल के ये हमने अंडा तोड़ लिया। अभी अंडा जो इसमें मिक्स करेंगे हम, अच्छे तरीके से मिक्स करना है। मिक्स करने के बाद इसे हम ऑयल में रख देंगे। ये अभी मिक्स हो गया, अभी हमारा ऑयल जो है ना ये गर्म हो जाएगा ना तब, तो फिर हम इसमें ये डाल देंगे। ये मिक्स हो गया अंडे इसमें, और इसमें ये हमने जो बनाया है सारा चीज़ें ये इसमें मिक्स की हुई हैं, हमने ये सारी मिला के हमने इसमें मिक्स की हैं। और ये इसमें मैदा वगैरह अच्छे तरीके से मिक्स करेंगे तो थोड़ी देर पड़ा रहेगा, तो फिर ये हम इसे अच्छे तरीके से बना देंगे। ये
तैयार हो गया है हमारा एक पार्ट इसका, और बाकी इसमें डालते हैं और भी अभी शाम हो गई है और हमने टेस्ट कर लिया सारा। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। मुझे तो इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।